प्लीज सब्सक्राइब द डॉक्टर मायरा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड कीप वाचिंग माय चैनल फॉर रिफ्रेशिंग वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी मायरा एंड वेलकम इन माय द डॉक्टर मायरा चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं अपने चैनल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन कोफ्ता मसाला। चलें तो फ्रेंड्स हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं आपको बताती हूँ। हाफ कप घी का, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, साल्ट, ग्रीन चिली, मैंने साबुत यूज़ किया, आपने भी इसी तरह यूज़ करनी है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, साबुत गरम मसाला, हल्दी, रेड मिर्च का पाउडर, योगर्ट हाफ कप, चिकन कोफ्ते हमने यूज़ किए हैं इसमें 12, और पानी ग्रेवी के लिए यूज़ होगा वो जब हम मसाला तैयार करेंगे। ये है 2 कप ऑनियन जो कि मैंने पहले ग्राइंड कर लिए हुए हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे, जिस तरह मैं डाल रही हूँ आपने इसी तरह डालना है, और इसके गर्म होने का, मेल्ट होने का वेट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साल्ट, साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन कोफ्ते और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जैसे मैं डाल रही हूँ आपने इसी तरह डालना है, और मैंने नमक और मिर्च पहले इसीलिए डाल दिया है कि ये कोफ्ते टूटे ना। आपने इस तरह फ्राई करना है इसको स्लोली स्लोली, जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। जी आप देख रहे हैं कि कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इनको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इसे किसी प्लेट में सेपरेट कर लेना है। अब हम इसी ऑयल के अंदर अपना मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑनियन का पेस्ट, जैसे मैं डाल रही हूँ आपने इसी तरह डालना है, और इसको अच्छी तरह हिलाना है, मिक्स करना है। देन मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली जो कि मैं कट करके डाल रही हूँ, आपने इसी तरह कट करना है इसको ब्रीक ब्रीक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साल्ट, देन मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, अब मैं ऐड कर रही हूँ मसाला जात, हल्दी और गरम मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड मिर्च का पाउडर जो कि है 2 टेबलस्पून, लेकिन आपको जितनी रिक्वायर्ड है आपने उतनी यूज़ करनी है। ये चिकन कोफ्ते बहुत डिलीशियस और यमी बनेंगे लाइक एज रेस्टोरेंट स्टाइल। आपने इन मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इनका मसाला तैयार करना है। जैसे मैं इसको हिला रही हूँ आपने इसी तरह इनको हिलाना है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप योगर्ट, इसके डालने से आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं जो कि बनाते हुए अक्सर पकाते हुए टूट जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स मसाले की ग्रेवी देखें रेडी होने वाली है, जस्ट 1 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते जो कि हमने फ्राई करके पहले निकाल लिए हुए हैं, इसी तरह आपने इसको ऐड करना है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह ऐड हो जाए। मैं मसालादार कोफ्ते बना रही हूँ, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी भी ऐड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स हमारे मसालादार चिकन कोफ्ता रेडी होने वाला है सेम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपने इसको बार बार चम्मच से नहीं हिलाना, जैसे मैं आपको हिला के बता रही हूँ आपने इसी तरह इसको हिलाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। चलिए मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े के और यमी बने हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स चिकन कोफ्ता मसाला रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बिला तखीर बआसानी पहुँच सकें।
क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।